नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी शहर की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए ऐलान किया है कि हल्द्वानी में पार्किंग एक मुख्य समस्या के रूप में अपना घर करती जा रही है। इसी को देखते हुए पिछले दिनों सिंधी चौराहे के पास नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाकर जो जगह खाली कराई गई थी उस पर अब पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। बुधवार को अपने जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि जो जगह अतिक्रमण हटाकर खाली कराई गई थी अब उसको नगर निगम हल्द्वानी को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिस पर अब लगभग 100 गाड़ियों के लिए नगर निगम के द्वारा पार्किंग बनाया जाना प्रस्तावित है। सिंधी चौराहे पर पार्किंग बनने की बात पर मुख्य नगर निगम हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिंधी चौराहे के पास सिंचाई विभाग की लगभग 500 मीटर जगह है, जिस पर पुरानी पड़ी बिल्डिंग में कुछ परिवार रह रहे हैं जिनको जल्दी खाली कराकर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर आने वाले समय में सिंधी चौराहे पर पार्किंग बनती है तो हल्द्वानी की पार्किंग की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा, क्योंकि सिंधी चौराहा हल्द्वानी का एक सबसे व्यस्त चौराहा है और यहाँ गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। तो अगर ये पार्किंग बनती है तो एक तरह से लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने में सुविधा मिलेगी, दूसरी तरफ जाम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।